फेमस है, हमारा नाम है चुलबुल सिंह पांडे, बर्रा से रावतपुर, कहीं पता करिए मेरा नाम फेमस है। देखा, ये है कानपुर के रियल चुलबुल पांडे, ठीक है। आप लोग आइएगा तो जरूर इनसे एक बार जरूर मुलाकात जरूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं मिलने एक कानपुर के रियल हीरो से, और वो कानपुर के रियल हीरो क्यों हैं ये मैं आपको वहां पर चलने के बाद उनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेने के बाद बताऊंगा। आप लोग देखिएगा, मेरे पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है। ट्रैक पर चले गए थे हम लोग, तो इसलिए सही ट्रैक पर जा रहे हैं। अब देखिए, आज आप लोग को कानपुर के रियल हीरो से मिलवाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये हैं कानपुर के रियल हीरो। क्योंकि आजकल देखिए क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो किसी का 10 रुपया जो होता है वो गिर जाता है तो लोग देते नहीं हैं। ये देखिए, इतना बड़ा मेरे मौसा का मोबाइल गिर गया था, तो इन्होंने क्या किया, दो बार गए झगरकटी देने के लिए, लेकिन मौसा का बस निकल चुका था तो इस वजह से वो दे नहीं पाए। और इन्होंने क्या किया, फिर मौसा ने जब कॉल किया इनको, तो इन्होंने क्या किया कि आप किसी को भेज दीजिए, मैं दे दूंगा, ठीक है भैया। आप बताइए मोबाइल देखिए, मतलब कि तो भाई उनका फोन था, बड़ा कीमती नंबर थे, तो हमने कहा उठाया, और डॉक्टर साहब थे, एक से एक पेशेंटों का नंबर रहता, इसलिए हमने कहा दे दिया जाए। तो मैं भी चाहता था कि आपको ये कानपुर के रियल हीरो से, क्योंकि आप लोग ने बस कानपुर की छवि, हमारा नाम है चुलबुल सिंह पांडे, बर्रा से रावतपुर, कहीं पता करिए मेरा नाम फेमस है। देखा, ये है कानपुर के रियल चुलबुल पांडे, ठीक है। आप लोग आइएगा तो जरूर इनसे एक बार जरूर मुलाकात जरूर करिएगा इनसे, क्योंकि बहुत ही इतना ऑनेस्टी इंसान मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा, ठीक है भैया। तो भाई जी बस इतना कर्तव्य, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने देखा, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो काफ़ी बेईमान भी होते हैं, और ये जो है वो काफ़ी ईमानदार निकले हैं। मेरे मौसा का मोबाइल था, उन्होंने ये वापस कर दिया। हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज। तो देखिए दोस्तों, हम लोग नर्सरी में भी आ गए हैं लौटते वक्त। बस हम लोग गमले भी सोचे हैं कि लेते चलें। देख, देखिए चिड़िया घोंसला, चिड़िया अभी नहीं है। पंडित जी हमारे संगे चलेगा। देख कितने नर्सरी में यहाँ पे पेड़ हैं, आइए दिखाएं आपको छोटा सा संतरा। ये देखिए छोटा सा लगा हुआ है, गमले में ही लगा हुआ है बिल्कुल। ये देखिए नींबू लगे हुए हैं छोटे छोटे बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है मुझे भी पता नहीं, लेकिन लगा हुआ है, लेकिन छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, पर अच्छे लग रहे हैं। टमाटर का पत्ता नहीं है ना ये। तो देखा आप सभी ने, यहाँ पे हम लोग गए सबसे पहले मोबाइल लेने, ठीक है। और काफ़ी भला इंसान था वो, जो जिसने मोबाइल मतलब वापस भी कर दिया, क्योंकि आजकल लोग गिरा हुआ 10 रुपये देते हैं, वो इतना बड़ा मोबाइल दे दिया, क्योंकि मौसा के मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट था। और हम लोग फिर उसके बाद आए यहाँ पे नर्सरी में, यहाँ से हम लोग को गमले लेने थे अपने घर के लिए, तो हम लोगों ने गमले भी ले लिए हैं, और आपको पूरा नर्सरी भी हमने दिखा दिया। और ये बाबा हैं हमारे पनकी में, ठीक है। क्या नाम बाबा आपका? जंग बहादुर बाबा, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे हैं, अगर यहाँ के हैं अगर आप लोग,
तो यहाँ से आप लोग अपना क्या नाम है सारे पौधे ले सकते हैं। यहाँ पे सभी प्रकार के आपको पौधे मिल जाएंगे और स्पेशल बुंजाई के भी पौधे मिल जाएंगे। आप लोग यहाँ से लेना चाहें तो यहाँ से बुंजाई के पौधे आप लोग ले सकते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं घर की तरफ। और